हेलो दोस्तों, कैसे हो सभी? गुड मॉर्निंग। तो आज हम स्टार्ट करेंगे हमारा कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर सेकंड लेक्चर, ठीक है? इन लास्ट लेक्चर वी डिस्कस्ड अबाउट नेशनल इंसिग्निया। लास्ट लेक्चर विच अपन जो इंडिया का नेशनल इंसिग्निया है उसके बारे में देखा था, जिसमें हमने सबसे पहले जो भारत का फ्लैग है उसके बारे में देखा था, देन उसके बारे जो हमारा नेशनल एंथम है, देन उसके बाद जो है हमारा नेशनल सॉन्ग है उसके बारे में हमने देखा था, राइट? उसमें एक पॉइंट मिस था जो था नेशनल एम्बलम, वो हमने एक सेपरेट वीडियो में कर लिया है, वो भी वीडियो अपलोड हो चुकी है, आप उसे भी देख लेना। देन उसके बाद आज हम करेंगे जो हमारे सोर्सेज हैं कि सोर्सेज क्या है ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, राइट? इसमें से भी अगर बात करूं तो एक क्वेश्चंस आ जाता है, राइट? एक क्वेश्चंस आता है। सो एक क्वेश्चंस मीन्स 4 मार्क्स का पेपर जो है सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से आता है, राइट? तो मुझे लगा कि इस ऊपर भी वीडियो जरूर बनाना चाहिए, इम्पॉर्टेंट है। जब हम इस तरह के कॉम्पिटेटिव एग्जाम देते हैं तो उस समय तो एक एक मार्क्स इम्पॉर्टेंट होता है, तो 4 मार्क्स बहुत है। और ये मैं आपको बार बार बोल रहा हूँ कि जो कॉन्स्टिट्यूशन है ये ओनली हमारा प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन का पार्ट है, राइट? तो इसे हमने ऐसे नहीं छोड़ देना, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूशन है एक इम्पॉर्टेंट है हमारे लिए, जिसमें से 8 to 9 क्वेश्चंस ईजिली आते हैं। अगर 8 to 9 क्वेश्चंस की बात करें तो 32 से 36 मार्क्स तक जो है पेपर आता है। और अगर उसके बारे बात करें हम जीके की, तो जीके बहुत वास्ट है, उसे हमें नहीं पता कि क्या आ जाएगा उसमें से, राइट? तो मैं आपसे यही बोलूँगा कि आप कॉन्स्टिट्यूशन को मत छोड़ो, आप जो हमारे लॉ के सब्जेक्ट है उसे अच्छी तरह से गो थ्रू हो, देन उसके बाद है अपना कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अपनी पकड़ मजबूत रखो। अगर आप इस तरह करोगे तो आपका प्री भी क्लियर हो जाएगा, उसके बाद आपका मेंस भी क्लियर हो जाएगा, राइट? तो आज हमारा सेकंड लेक्चर करेंगे जो हम सोर्सेज देखेंगे, राइट? कि सोर्सेज क्या है, ठीक है? अगर आप चाहो तो आप नोट्स साथ साथ बनाना चाहते हो तो आप साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, राइट? इससे क्या होगा, आपने नोट्स बनाए होंगे, अपने हैंड रिटन जो नोट्स होंगे उसको एक दो बार पढ़ लेना। कॉन्स्टिट्यूशन कोई, इसमें हमने कोई ज्यादा डेप्थ में ही नहीं जाना, कोई डीपली नहीं पढ़ना है इसमें, बिल्कुल नॉर्मल क्वेश्चंस आते हैं। आप जो हम आपके जो हैंड रिटन नोट्स होंगे उसको बना लेना, एक दो बार देख लेना। अगर आप एक दो बार देख लोगे देन उसके बाद जब आपका पेपर होगा उससे पहले आप रिवीजन करोगे तो आपको बड़े आराम से रिटेन हो जाएगा। और उसके बाद आप चाहते हो कि आपने प्रैक्टिस करनी है ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस की, एमसीक्यू टाइप्स की, तो आप एक यूनिवर्सल की बुक आती है, ठीक है? यूनिवर्सल की बुक आती है जिसमें से सारे सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट, जिस तरह से हमारे मेजर लॉज हैं सीआरपीसी, आईपीसी या माइनर एक्ट्स है, आपको सभी जितने भी हमारे सब्जेक्ट्स हैं उसका ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर के लिए मिल जाएगा। तो अगर आप चाहते हो तो वो बुक भी आप परचेज कर लेना, कोई 1100-1200 के करीब आती है ये बुक, पर आपको एक बार आपके पैसे जरूर लगेंगे, बट आपको जो है आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। और ये बिल्कुल ईजी लेवल वालों के लिए है, इसमें सॉरी जो इसमें लेवल है वो काफी इजी है, राइट? उसके बाद आप जाना चाहते हो तो एके जैन की बुक आती है, वो थोड़ा हाई लेवल के लिए, एडवांस लेवल के लिए। अगर आप जो दोनों बुक से प्रैक्टिस कर लेते हो तो भाई आपको पेपर में किसी तरह की कोई भी मुश्किलात नहीं आएगी, कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी आपको, इस बात का ध्यान रखना। आपने पढ़ना भी है, आपने रिवाइज भी करना है, उसे रिटेन भी करना है और उसे प्रैक्टिस करके भी देखना है, अगर पेपर क्वालिफाई करना है तो। अगर टाइम पास करना है तो फिर कुछ भी कर लो, फिर उसमें कुछ नहीं है। अगर आपने आपका जो टारगेट है कि मैंने जज बनना है, ठीक है, मैंने पेपर क्रैक करना है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है? अपना एक टाइम टेबल बना लो, टाइम टेबल मेंटेन कर लो, शेड्यूल बना लो, उसके अकॉर्डिंग आप पढ़ लो। पर मैं आपको यही रेकमेंड करूंगा कि एक आप मेजर एक्ट स्टार्ट कर लो, उसके साथ एक माइनर एक्ट स्टार्ट कर लो,
आप मेजर एक्ट को 6-7 hour दे सकते हो और जो माइनर एक्ट है उसको 1 hour भी दोगे, 1 hour भी दो तो आपका इजिली काम चल जाएगा। इसलिए मैंने ही 2 subject की स्टार्ट कराई है लेक्चर से। एक बार से हम मुस्लिम लॉ करते हैं, मुस्लिम लॉ की भी मैंने आपको इंट्रोडक्शन लेक्चर में वेटेज बता दी थी। 40 marks का पेपर मेंस के लिए आता है मुस्लिम लॉ से, पंजाब में भी और हरियाणा में भी। एंड जी प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की बात करूं तो 4 to 5 questions ईजिली आते हैं मुस्लिम लॉ से। और इसके साथ ही मैंने आपको कॉन्स्टिट्यूशन स्टार्ट करवा दिया, राइट। तो इस बात का ध्यान रखना, अपने पढ़ने पर ध्यान दो, पढ़ना है उसे रिवाइज करना और उसे रिटेन भी करना है, देन उसकी प्रैक्टिस भी करनी है, ठीक है। तो अब हम स्टार्ट करते हैं हमारा जो लेक्चर है, राइट। सोर्सेज ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, सोर्सेज मीन्स कि हमने कौन सी चीज कहाँ से ली है, ठीक है। इस ऊपर एक क्वेश्चन आता है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, वो मैं आपको बता भी दूंगा। सबसे पहले हम यूएसए की बात करते हैं कि हमने यूएसए से क्या लिया है। सबसे पहले बात करें तो प्रैम्बल, कि जो प्रैम्बल है, जो इंडिया का प्रैम्बल है, जिसमें हम स्टार्टिंग वर्ड्स देखते हैं वी द पीपल ऑफ इंडिया, इस तरह से सेम यूएसए के प्रैम्बल में भी चलता है कि वी द पीपल ऑफ यूएसए। हमने जो प्रैम्बल है, ये हमने प्रैम्बल यूएसए से लिया है और ये इम्पोर्टेंट है, राइट। उसके बाद जो हमारा फंडामेंटल राइट्स है, ठीक है, ये वेरी इम्पोर्टेंट है, फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, जो आर्टिकल 12 ऑनवर्ड्स चलते हैं, राइट, ठीक है, जो 12 ऑनवर्ड्स Part 3 में चलते हैं, इसको याद रखना, फंडामेंटल राइट्स। प्रैम्बल हमने यूएसए से लिए हैं। उससे उसके बाद जो आता है नेक्स्ट, जुडिशियल रिव्यू, जो जुडिशियल रिव्यू है ये भी हमने यूएसए से लिया है, राइट। देन उसके बाद जो हमारा रिमूवल है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट, ठीक है, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, इनके भी हमने रिमूवल का जो प्रोसीजर है यूएसए से लिया है, राइट, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट जजेस, ठीक है। तो जे आप नोट करना चाहते हो तो कर लेना, ठीक है भाई। देन उसके बाद है जो हमारा फेडरल स्ट्रक्चर रहता है गवर्नमेंट का, ठीक है, जो फेडरल स्ट्रक्चर है, फेडरल स्ट्रक्चर ऑफ गवर्नमेंट, जे भी हमने यूएसए से लिया है। देन उसके बाद जो फंक्शंस है, जो वर्क करने का सिस्टम है, ठीक है, फंक्शंस है ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, एंड वाइस प्रेसिडेंट, ये भी हमने यूएसए से लिया है। तो आप इसे जॉट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है, यूएसए का स्पेशली इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले हमने प्रैम्बल लिया है, देन उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है, देन उसके बाद है जो जुडिशियल रिव्यू है, देन उसके बाद है जो हम रिमूवल है सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस की, राइट, देन उसके बाद जो फेडरल स्ट्रक्चर है, एंड देन लास्ट में जो फंक्शंस है प्रेसिडेंट एंड वाइस प्रेसिडेंट का वर्क करने का सिस्टम, वो हमने यूएसए से लिया है, ठीक है। तो ये थी फर्स्ट। देन उसके बाद आप बात करते हैं यूके, यूनाइटेड किंगडम, कि हमने यूके से क्या क्या लिया है। सो इसमें सबसे इंपॉर्टेंट और सबसे पहले आता है कि जो हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म है, ठीक है, जो हमारी पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, पार्लियामेंट्री उसे, ठीक है, पार्लियामेंट गवर्नमेंट, पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट क्या है, जिस तरह हमें पता है कि हमारा पार्लियामेंट हाउस होता है, ठीक है, और पार्लियामेंट जो हमारी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, जिसमें से हम जानते हैं कि पार्लियामेंट में क्या होता है, राज्यसभा, राज्यसभा होती है, ठीक है, उसके बाद लोकसभा होती है, देन उसके में प्रेसिडेंट होते हैं, राइट, ये 3 होते हैं, राइट। ये हमने जो पार्लियामेंटली पार्लियामेंट हमारी पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है, फॉर्म लिख लेना, पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट हमने ये यूके से ली है, राइट। देन उसके बाद है जो हमारा सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट है, सिंगल सिटीजनशिप का, ये आर्टिकल 9 है, आर्टिकल 9 में बताया है
कि जो भारत देश है वो सिंगल सिटीजन को अडॉप्ट करता है। अगर किसी भारत के सिटीजन ने किसी फॉरेन कंट्री की सिटीजन अडॉप्ट कर ली है, ले ली है, उस कंट्री का किसी फॉरेन कंट्री का नागरिक बन गया है, सिटीजन बन गया है, तो उसे भारत की जो नागरिक है वो छोड़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि भारत जो है सिंगल सिटीजनशिप को कंसेप्ट को मानता है, राइट। तो उसके बाद जो इम्पोर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है, रूल ऑफ लॉ। जो रूल ऑफ लॉ वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको भी याद रखना। आर्टिकल 40 में प्रोवाइड किया गया है रूल ऑफ लॉ एंड पार्लियामेंट्री फॉर्म, इसे आप जरूर याद रखना। जे हमने यूके से लिया है तो मुझे उम्मीद है आप इसे याद रखोगे और आप जॉट डाउन भी कर लेना। सो सबसे पहले पार्लियामेंट्री फॉर्म आ गया, देन उसके बाद आ गया रूल ऑफ लॉ, देन सिंगल सिटीजन का जो हमारे कंसेप्ट था वो भी हमने यूके से लिया है। देन उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया से, ऑस्ट्रेलिया से हमने कॉन्क्रीट लिस्ट ली है, इसे भी आप याद रखना। कॉन्क्रीट लिस्ट जो शेड्यूल 7 है कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोवाइड किया, उसमें 3 लिस्ट है, स्टेट लिस्ट है, ठीक है, जिसमें सब्जेक्ट्स बताए गए हैं कि स्टेट ने किस ऊपर लॉ बनाना है, क्या किन सब्जेक्ट ऊपर स्टेट वर्क कर सकती है, राइट। देन उसके बाद आता है यूनियन लिस्ट आता है, देन लास्ट में आता है कॉन्क्रीट लिस्ट। कॉन्क्रीट लिस्ट में स्टेट गवर्नमेंट भी लॉज बना सकती है और सेंट्रल गवर्नमेंट भी जो लॉ बनाती है। और हमने जो स्टेट लिस्ट है कहाँ से ली है, जे हमने ऑस्ट्रेलिया से ली है, इसको भी याद रखना, ये भी एक इम्पॉर्टेंट है। उसके बाद आता है साउथ अफ्रीका, ठीक है, साउथ अफ्रीका। इससे हमने क्या लिया, इससे इम्पॉर्टेंट है, हमने प्रोसीजर लिया है। प्रोसीजर किसका? फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमने अमेंडमेंट कैसे करनी है, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इसका लिया है। आर्टिकल जो 368 में अमेंडमेंट के बारे में बताया गया है, ये हमने साउथ अफ्रीका से लिया है, इसे भी याद रखना आप। प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन इंपॉर्टेंट है ये भी। देन उसके बाद जो आता है नेक्स्ट, इसे हम कहते हैं इलेक्शन ऑफ राज्यसभा मेंबर, कि जो राज्यसभा मेंबर है उसकी हमने इलेक्शन कैसे करवानी है, ठीक है। इलेक्शन ऑफ जो राज्यसभा मेंबर है उसकी, जिसे हमें पता है, जिस तरह हमें पता है कि भारत में 250 जो राज्यसभा की सीट होती हैं, जिसमें 238 मेंबर्स है जो इलेक्टेड होते हैं, ठीक है, और जो 12 मेंबर होते हैं जो नॉमिनेट किए जाते हैं बाय प्रेसिडेंट के द्वारा, ठीक है, नॉमिनेटेड जे बाय प्रेसिडेंट साहब के किए जाते हैं, राइट। इसको भी हम करेंगे जब हम जे टॉप प्रेसिडेंट साहब का टॉपिक करेंगे तो तब इसे भी हम डिस्कस कर लेंगे, ठीक है। ये भी इम्पोर्टेंट था, साउथ अफ्रीका से क्या है, प्रोसीजर है फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। देन उसके बाद जो इलेक्शन है ऑफ राज्यसभा मेंबर की, राइट। उसके बाद आता है सोवियत यूनियन, ठीक है, सोवियत यूनियन, सोवियत यूनियन, यूएसएसआर, जो बाद में रशिया यूक्रेन में डिवाइड हो गया था, सो ठीक है। इसे हमने लिया है फंडामेंटल ड्यूटीज, कि हमने बहुत फंडामेंटल ड्यूटीज को, ये भी कहते हैं कि फंडामेंटल ड्यूटीज हमने रशिया से ली है। नो भाई, जो एक्चुअल हमारा सोर्स है वो फंडामेंटल ड्यूटीज का, वो सोवियत यूनियन से है। क्यों? क्योंकि जो फंडामेंटल ड्यूटीज है ये हमने 42 अमेंडमेंट के साथ ऐड की थी, ठीक है। ये अमेंडमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, जो थी 1976 में थी, और जो सोवियत यूनियन है ये आगे डिवाइड हुई थी 15 पार्ट्स में, मे बी, कि जो आगे रशिया बनी है, यूक्रेन बनी है, और ये 1991 के करीब बनी है, और हमारी जो अमेंडमेंट है वो 1976 में हो गई थी। तो इसका रियल जो सोर्स बनता है वो सोवियत यूनियन है, यूएसएसआर है, वो रशिया नहीं है। अगर आपने रशिया लाया तो वो आपका आंसर गलत हो जाएगा, क्योंकि जो सोवियत यूनियन डिवाइड हुई है, रशिया बने हैं, यूक्रेन बने हैं, या अदर्स कंट्रीज बने हैं,
वो 90 के करीब बने हैं, जो हमारी अमेंडमेंट हुई है 42 अमेंडमेंट हुई जिसके साथ फंडामेंटल ड्यूटीज ऐड हुए हैं वो 1976 में हो गए हैं। तो इसका रियल जो करेक्ट आंसर आएगा वो सोवियत यूनियन आएगा, इसका भाई आप ध्यान रखना, इस पर कई बार आप कन्फ्यूज हो गए, राइट। देन उसके बाद आता है कि जो आइडिया है हमारा, जो आइडिया था ऑफ सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस, कि ये जस्टिस होना चाहिए, पॉलिटिकल जस्टिस इन प्रैम्बल में जो दिया गया है। अब प्रैम्बल हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे, तब से हम स्टार्ट कर देंगे जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, तब हम स्टार्ट कर देंगे, सबसे पहले हम प्रैम्बल से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो यूएसएसआर से हमने क्या लिया, एक तो फंडामेंटल ड्यूटीज है, राइट, जो आर्टिकल 51 कैपिटल ए में ऐड है, ठीक है, कहां पर है, आर्टिकल 51 कैपिटल ए में है, राइट। और उसके बाद जो हमारा आइडियाज था, सोशली इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकली जस्टिस मिलना चाहिए। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी जो ड्राफ्टिंग कमेटी के चेयरमैन थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था, राइट, तो उन्होंने बहुत ही हर पॉइंट को बहुत बारीकी से देखा है, उनके द्वारा कॉन्स्टिट्यूशन बनाया गया बहुत मोर देन हम कह सकते हैं कि एग्जॉस्टिव है। उन्होंने कहते हैं कि निक्की निक्की चीज का भी ध्यान रखा है, इस करके उन्होंने जो आइडिया था, हमें सोशल न्याय भी मिलना चाहिए, हमें इकोनॉमिक न्याय भी मिलना चाहिए, हमें पॉलिटिकली न्याय भी मिलना चाहिए, उसको प्रैम्बल में डाला था। और ये हमने सोवियत यूनियन से, यूएसएसआर से लिया था, ठीक है जी। देन उसके बाद आता है जापान, ठीक है जी, उसके बाद क्या आता है, जापान आता है, जापान, जापान से हमने क्या लिया है कि जो प्रोसीजर एस्टैब्लिश बाय लॉ है, प्रोसीजर एस्टैब्लिश्ड बाय लॉ, कि जिस प्रोसीजर को लॉ ने बना दिया है हमने उसे फॉलो करना है, और ये लैंग्वेज आर्टिकल 21 में है। जब हम आर्टिकल 21 करेंगे तब देखेंगे, वो वेरी इंपॉर्टेंट है क्योंकि फंडामेंटल राइट्स है, और हम तब उसे देखेंगे कि जो प्रोसीजर लॉ के द्वारा बना दिया गया है हम उसे ही फॉलो करेंगे। देन उसके बाद आता है आयरलैंड, राइट, अब क्या आता है आयरलैंड, एक बात मैं भूल गया, बस 1 सेकंड देना, जुडिशियल रिव्यू आ गया एंड उसके बाद है, ठीक है, और जो यूएसए है, यूएसए में एक पॉइंट आप और ऐड कर लेना, जो इम्पीचमेंट का प्रोसीजर है, कि इम्पीचमेंट, कि प्रेसिडेंट को इम्पीच कैसे करना है, ये प्रोसीजर भी हमने यूएसए से लिया है, आप जहां पर पॉइंट ये लिख लेना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मुझे लगता ही था कि मैं स्किप कर गया ये पॉइंट, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, कि प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच करना है, आर्टिकल 61 में प्रोवाइड किया गया है, ठीक है, आर्टिकल 61 में प्रोवाइड किया गया है कि प्रेसिडेंट को कैसे इम्पीच करना है, वो भी हमने यूएसए से लिया है, इसको भी आप याद रखना, ये भी इंपॉर्टेंट है। देन उसके बाद आयरलैंड के आते, आयरलैंड से हमने क्या लिया है, डीपीएसपी क्या है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, ठीक है, जो पार्ट फोर में प्रोवाइड किया है, पार्ट फोर में प्रोवाइड किया गया है आर्टिकल 36-51 में, राइट, ये हमने आयरलैंड से लिया, इसे भी याद रखना, इंपॉर्टेंट है, इसमें से जो हमारा इंपॉर्टेंट रहता है, जो फ्री लीगल एड है आर्टिकल 39 कैपिटल ए में, वो भी डीपीएसपी का पार्ट है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी का, और ये हमने आयरलैंड से लिया है। अब जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है हमारा, ये बहुत जरूरी है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ठीक है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, अगर आपको याद हो तो हमने अभी किया है कि जो इम्पीचमेंट है, कि प्रेसिडेंट साहब को कैसे इम्पीच करना है, इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, वो हमने कहां से लिया है, वो हमने यूएसए से लिया है,
और प्रेसिडेंट की इलेक्शन कहाँ से है, वो हमने आयरलैंड से ली है, इसका ध्यान रखना। जब आप नोट्स बना रहे हो तो आपको लगता है कि कोई ऐसा पॉइंट है जो कनेक्टेड है एक दूसरे के साथ, तो उसे भाई आप एक साथ ही लिख लेना, सो कि जब आप पढ़ रहे हो रिवाइज करो तो आप बार बार उसे चीज को से गो थ्रू हो गए, तो आपको वो चीज रिटेन हो जाएगी, उसके बाद आपको भूलेगी नहीं। अगर आपको एक क्वेश्चन भूल भी जाएगा तो आपको जो सेकंड क्वेश्चन है वो याद रह जाएगा। सो जिस तरह जो इलेक्शन है प्रेसिडेंट की वो हमने आयरलैंड से ली है, और जो इम्पीचमेंट है प्रेसिडेंट की वो हमने यूएसए से ली है। जितना मेरे से होगा, मेरे एंड पर होगा, मैं भी जरूर ट्राई करूंगा कि आपको वो चीजें इकट्ठी ही लिखा दूं, एक साथ लिखा दूं, सो कि आपको याद रहे। पर अगर मेरे से कभी भूल जाए या मेरे से कुछ ऐसे स्किप हो जाए तो आप जरूर उसे याद कर लिख लेना भाई, बहुत जरूरी है, क्योंकि जब आप पढ़ोगे तो आपको रिटेन हो जाएगा, उसके बाद आपको वो भूलेगा नहीं, ठीक है। देन उसके बाद हमारा पॉइंट आता है कि हमने फ्रांस से क्या लिया है, राइट। फ्रांस कितनी कंट्रीज होगी, ये थी हमारी 5, 6, 7 और 8, फ्रांस कितनी है, 8 कंट्रीज। फ्रांस से हमने क्या लिया है, फ्रांस से जो हमारा आइडिया था रिपब्लिक, ठीक है, रिपब्लिक, एंड जो आइडिया था आइडल्स ऑफ लिबर्टी, ठीक है, इक्वालिटी एंड फ्रेंटी, फ्रेनेटी, फ्रेनेटी, ठीक है, फ्रेनेटी, ठीक है, इसका आइडिया था जो हमने इन द प्रैम्बल फ्रांस से लिया था। अब आपको याद हो तो जो आइडिया था हमारा सोशल, इकोनॉमिकली एंड पॉलिटिकल जस्टिस का, वो हमने यूएसएसआर से लिया था, राइट। आप देख भी लेना जहां पर है कि जो आइडिया था हमारा सोशल, इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस मिले प्रैम्बल में दिया गया, वो हमने यूएसएसआर से लिया है। देन उसके बाद जो हमारा आइडिया है हमें लिबर्टी हो, इक्वेलिटी हो, फ्रेनिटी हो, ये प्रैम्बल में हम आइडिया कहाँ से लिया है, फ्रांस से लिया है, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। तो मैं आपको बार बार बोल रहा हूं, अगर आपको इस तरह लगता है कि कोई पॉइंट है तो वो आप साथ में लिख लेना, इन दो पॉइंटों को भी साथ में लिख लेना, सो कि आप कंफ्यूज ना हो, मिक्स ना हो जाए, ठीक है। जो है हमारा जस्टिस था सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकली, वो हमने यूएसएसआर से लिया है, और जो हमारा आइडियाज था लिबर्टी का, इक्वालिटी, फ्रेनिटी का और रिपब्लिक का, वो हमने फ्रांस से लिया है। इसलिए ही मेरी आदत है, मैं बार बार रिपीट करता रहता हूँ, बोलता रहता हूँ कि सो कि आप कंफ्यूज ना, और आपको बार बार सुनने से वो चीज आपके माइंड में रिटेन हो जाए, ठीक है। देन उसके बाद आता है हमारा जर्मन, ठीक है, उसके बाद आता है जर्मन कि हमने जर्मन से क्या लिया है, जर्मन, जन जर्मनी भी बोल सकते हैं। जर्मनी जैसे हमें पता है कि यूरोप में सबसे स्ट्रांग नेशन है, स्ट्रांग नेशंस हैं तो वेपन के लिए भी वो इक्विपमेंट में भी आगे हैं, सो इस करके वहां पर इमरजेंसी का कंडीशन भी या खतरा भी बनया रहेगा, सो इमरजेंसी की प्रोविजन भी हमने कहाँ से ली है, जर्मन से ली है। सो ये एक याद करने का टिप है कि आप इस तरह याद कर सकते हो कि जैसे जर्मन यूरोप में क्या है, सबसे स्ट्रांगेस्ट नेशन माना जाता है, उसके पास पावर है, वेपन्स है, राइट, तो वहां पर क्या है, वॉर की भी कंडीशन बनी रहेगी एक तरह के, हाँ डर बना रहेगा, जो वॉर होगी तो इमरजेंसी की भी कंडीशन बनी रहेगी। सो हमने इमरजेंसी का कहाँ से लिया है, इमरजेंसी का हमने जर्मन से लिया है। देन उसके बाद जो सस्पेंशन होती है कि सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, ठीक है, सस्पेंशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग इमरजेंसी, कि जब इमरजेंसी लगती है तो जो फंडामेंटल राइट्स हैं उसको सस्पेंड करना है, ये भी हमने कहाँ से, जर्मन से ही लिया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्या है, इमरजेंसी जो हमने जर्मन से लिया, देन उसके बाद जो फंडामेंटल राइट्स है वो भी, हाँ कि फंडामेंटल राइट्स को सस्पेंड करना है ड्यूरिंग इमरजेंसी, जैसे आर्टिकल 90, तो डायरेक्टली जो हमारा राइट ऑफ फ्रीडम है डायरेक्टली जो है कि वो सस्पेंड हो जाता है ड्यूरिंग इमरजेंसी, तो वो हमने जर्मन से लिया है। देन लास्ट में हम करते हैं जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो एक्ट था 1913
35 का, ये भी देख लेते हैं, इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले हमने जो हमारा फेडरल स्कीम थी, ठीक है, अब बहुत बच्चे ये भी कहेंगे कि फेडरल स्कीम तो थी जो हमने यूएसए से ली थी, राइट, ठीक है, यूएसए से थी फेडरल स्ट्रक्चर, या कि जो फेडरल स्ट्रक्चर है, ठीक है, तो हमने उन नेशन से, उन कंट्री से लिया था, लेकर हमने जो हमारा जो एक्ट था 90, जो हमारा एक्ट था 1935 का, ठीक है, उसमें हमने अडॉप्ट किया था, और उसके बाद हमने वहां से ही हमने अपने जो जे हमारा प्रेजेंट कॉन्स्टिट्यूशन है इसमें कैरी कर लिया, कंटिन्यू कर लिया, राइट। देन उसके बाद है जो हमारा पब्लिक सर्विस कमीशन है, ये इंपॉर्टेंट है कि जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, ठीक है, जो हमारा भी पेपर लेता है पीसीएस का, पब्लिक सर्विस कमीशन, जिस तरह पंजाब में है पीपीएससी, ठीक है, पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट, हरियाणा में है हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन, राइट, जो हमारा पेपर लेता है पीसीएस का लेता है, राइट, तो वो भी हमने जो पब्लिक सर्विस कमीशन है, जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1935, उससे लिया है, ये भी इंपॉर्टेंट है याद रखना, राइट। उसके बाद है जो ऑफिस है, ऑफिस ऑफ गवर्नर, जो ऑफिस ऑफ गवर्नर है, ये भी हमने जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट है वहां से लिया है। देन उसके बाद जो हमारी जुडिशरी है, जुडिशरी का कंसेप्ट भी हमने जो एक्ट है 1935 उससे लिया है, ठीक है। देन उसके बाद जो लास्ट में आता है एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स, कि जो ऑफिस की एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हैं उसका भी हमने कॉन्सेप्ट है जो इस एक्ट से लिया है। सो ये एक्ट वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखना, ठीक है, ठीक है, इस एक्ट को भी आप याद रखना, ये एक्ट भी वेरी इंपॉर्टेंट रहता है, राइट। भाई कहाँ पर चल गया, चलो जहां पर ही लग, ठीक है, तो आप उसको भी याद रखना, ठीक है। तो जो हमारा, मुझे लगता है स्लाइड मिस कहाँ पर होगी, चलो जहाँ पर ही लिख देता हूँ, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सो पब्लिक सर्विस कमीशन हो गया, उसके बाद ऑफिस ऑफ गवर्नर हो गया, जुडिशरी हो गया, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स हो गया, राइट, देन फेडरल जो हमारी स्कीम थी वो भी हमने इस एक्ट से ली थी, तो इसको जॉट डाउन कर लेना, ये इंपॉर्टेंट है। एक कनाडा वाला रह गया कि कनाडा से हमने क्या लिया है, राइट, चलो बस एक रह गया लास्ट के, हमने कनाडा से क्या लिया है, ठीक है, कनाडा से हमने जो अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर है, कि गवर्नर को अपॉइंटमेंट करना है, अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, वो हमने कनाडा से लिया है, ये इंपॉर्टेंट है, इसे भी आप याद रख सकते हो, ठीक है। उसके बाद जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स है, कि पावर्स को डिस्ट्रीब्यूट करना है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स, ठीक है, बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट, ये भी हमने कनाडा से लिया था, आप इसे भी याद रखना, ये भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया इसे आप देख लेना। सो सबसे पहले हमने क्या है, सबसे पहले हमने यूएसए को देखा, ठीक है, यूएसए में हमने प्रैम्बल, फंडामेंटल राइट्स, राइट, देन उसके बाद जुडिशियल रिव्यू, रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट जजेस, देन फेडरल स्ट्रक्चर, फिर उसके बाद जो फंक्शंस होते हैं प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट के, देन इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट साहब की, देन उसके बाद यूके जो है यूनाइटेड किंगडम है, उससे हमने पार्लियामेंट्री जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, देन सिंगल सिटीजन का कॉन्सेप्ट, देन रूल ऑफ लॉ हमने
यूएसए से, सॉरी यूके से लिया है। देन उसके बाद आता है ऑस्ट्रेलिया जो कॉन्करेंट लिस्ट इंपॉर्टेंट है। साउथ अफ्रीका से प्रोसीजर फॉर कॉन्स्टिट्यूशन के, प्रोसीजर फॉर अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के लिए। देन उसके बाद है जो इलेक्शन है राज्यसभा मेंबर की, वो हमने साउथ अफ्रीका से लिया है। देन सोवियत यूनियन में इंपॉर्टेंट है फंडामेंटल ड्यूटीज, ये रशिया नहीं है क्योंकि रशिया बाद में बना है। देन उसके बाद जो आइडिया है सोशल इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल जस्टिस का प्रैम्बल में, ये हमने साउथ यूएसए से लिया, सॉरी यूएसएसआर से लिया है। उसके बाद जो आइडिया था हमारा रिपब्लिक का, फटर्निटी का, जस्टिस का और इक्वेलिटी का, वो हमने फ्रांस से लिया था। जापान से हमने जो प्रोसीजर एस्टेब्लिशमेंट बाय लॉ है वो हमने जापान से लिया, जो आर्टिकल 21 में भी है। उसके बाद है आयरलैंड से डीपीएसपी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, एंड जो है ठीक है तो ठीक है ये एक इंपॉर्टेंट था। एंड उसके बाद हो जो मेंबर थे राज्यसभा के, ठीक है राज्यसभा मेंबर की जो थी वो हमने आयरलैंड से ली थी, नॉमिनेशन थी जो मेंबर ऑफ आयरलैंड राज्यसभा की थी, ठीक है। तो उसके बाद लास्ट में दो था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, जिससे पब्लिक सर्विस कमीशन हमने, जैसे हमारा पंजाब में पीपीएससी, हरियाणा में एचपीएससी। देन उसके बाद जो ऑफिस है गवर्नर का, जुडिशरी है, ये इंपॉर्टेंट है, एडमिनिस्ट्रेटिव डिटेल्स तो फेडरल स्कीम्स, ये हमने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से ली है। देन उसके बाद लास्ट में जो है हमारा कैनेडा, कैनेडा से हमने अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पार्स जो बिटवीन यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट से ली है, राइट। तो ये था, ठीक है। उसके बाद आप कुछ आप इंपॉर्टेंट कुछ पॉइंट्स हैं वो लिख लो, जो आपको मुझे लगता है कि जो प्रीलिमिनरी के लिए आ सकते हैं, इंपॉर्टेंट फॉर प्रीलिमिनरी एग्जामिनेशन के लिए आप लिख सकते हो, राइट। जिसमें से सबसे पहले आता है कि जो प्रैम्बल है, जो प्रैम्बल था, ठीक है, जो प्रैम्बल था, जो इंडिया का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 उसमें था, बट जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है इसमें नहीं था। इस बात को आप ध्यान रखना कि जो प्रैम्बल था, जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1919 का, उसमें प्रैम्बल था, पर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 है उसमें प्रैम्बल नहीं था। ये इंपॉर्टेंट है, आप इसे याद रखना, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद जो हमारे थर्ड थ्री वर्ड्स थे सोशलिस्टिक, सेकुलर, ये हम प्रैम्बल के साथ कर लेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे जब हमने प्रैम्बल करना है। इंपॉर्टेंट ये है कि जो प्रैम्बल है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में था, बट जो हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 था उसमें प्रैम्बल नहीं था। तो ये थी आज की वीडियो, मुझे लगता है आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करना, ठीक है। तो ये थी आज का लेक्चर, थैंक यू।